Hey guys, welcome back to my YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर एक ऐसा घूमने वाला जगह मौजूद है जहां पर जाते ही महिलाएं अपने कपड़े उतारकर फोटो खींचने लगती है। इस देश में एक माओरी संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब और रहस्यमय होते हैं और इनके पूरे शरीर में अजीबोगरीब टैटू बने हुए रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम आप में से कई सारे लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ये देश दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना एक शानदार देश है, लेकिन इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर पूरे न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन का अधिकांश आबादी रहता है। दोस्तों न्यूजीलैंड पूरे दुनिया का एकमात्र वो देश है जहां पर आदमियों के प्रति भेड़ों की संख्या पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब कि इस देश में जितने भी जनसंख्या रहते हैं उससे 10 गुना ज्यादा भेड़ों की जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों न्यूजीलैंड पूरे दुनिया में उम्र के मामलों में काफी ज्यादा नया देश है, जो तकरीबन आज के समय से 400 साल पहले इस देश को बसाया गया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देश एक बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए लेकिन आप समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस देश की महिलाओं के बारे में तो न्यूजीलैंड की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर वैश्यवृत्ति जैसे कामों पर कोई भी रोक टोक की पाबंदी नहीं है। न्यूजीलैंड की कोई भी महिलाएं पैसे के बदले अपने मर्जी के मुताबिक इस काम को कर सकती है। दोस्तों न्यूजीलैंड प्राकृतिक रूप से इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इस देश की सरकार हर साल टूरिज्म इंडस्ट्री से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेती है। दोस्तों न्यूजीलैंड के कोटागो शहर में कार्डोना वैली में स्थित एक बेहद ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर लड़कियां और महिलाएं अपने कपड़े उतार कर एक तार के ऊपर टांग देती है और अलग अलग तरीकों से सेल्फी या फिर फोटो खिंचवाती है। दोस्तों अगर बात करें न्यूजीलैंड में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में तो यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक न्यूजीलैंड डॉलर हमारे भारत देश में 51.44 रुपए के बराबर बैठता है। दोस्तों अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो न्यूजीलैंड कुल 268,021 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस देश में बोले जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के बारे में तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें पहला इंग्लिश, दूसरा न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज और तीसरा माओरी है। दोस्तों यूं तो इस देश में सुंदर शहरों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है न्यूजीलैंड के कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी वेलिंगटन सिटी है और ये शहर पिछले 156 सालों से न्यूजीलैंड की राजधानी होने का सम्मान रखे हुए है। दोस्तों अगर बात करें इस देश की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख की है। दोस्तों न्यूजीलैंड का बॉलविन स्ट्रीट बेहद ही अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पर ऊपर से नीचे की तरफ 380 डिग्री की ढाल पर बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में मौजूद ऑकलैंड सिटी अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों न्यूजीलैंड में अधिकांश यूरोप से आए हुए लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड के पूरे पॉपुलेशन का लगभग 15-20% आबादी माओरी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसे यहाँ का मूल निवासी कहा जाता है। दोस्तों इस संप्रदाय के अलग ही तरीके के सांस्कृतिक अजीबोगरीब पहनावा और रहने का तरीका है। दोस्तों जिस तरह से हमारे देशों के साथ साथ कई सारे देशों में 18 साल होने के बाद लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो वहीं न्यूजीलैंड में अगर आपको 15 साल की उम्र में ड्राइविंग करना अच्छे से आता है तो किसी भी व्यक्ति को 15 साल की उम्र में आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों न्यूजीलैंड को प्रकृति की खूबसूरती और हरियाली जंगलों के लिए भी जाना जाता है, जहां पर अलग अलग प्रजातियों के सुंदर पक्षी और काफी सारे जानवरों को देखा जा सकता है। दोस्तों न्यूजीलैंड पूरे दुनिया का वो देश है, डेनमार्क के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार वाला कंट्री माना जाता है। यहाँ के सभी लोग अपने कामों के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार रहते हैं, इसीलिए न्यूजीलैंड में करप्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्तों अगर बात करें इस देश में मानने वाले धर्मों के बारे में तो यहाँ का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन है। इसके अलावा यहाँ पर रोमन कैथोलिक को मानने वाले और एंग्लियन धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड पूरे दुनिया का एकमात्र वो देश है जिसने महिलाओं को साल 1893 में पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया था। दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी नाम से कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि कीवी नाम से एक पक्षी पूरे दुनिया में मात्र न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। दोस्तों यहाँ का हेल्थ केयर काफी अच्छा माना जाता है और इसी कारण से यहाँ की औसतन महिलाएं 82 साल तक जीवित रहती है और वहीं पुरुष औसतन 78 साल तक जीवित रहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस देश के पूरे पॉपुलेशन का 10 गुना ज्यादा न्यूजीलैंड में भेड़ पाए जाते हैं और इसी कारण से इस देश को ऊन के मामलों में दूसरा स्थान प्राप्त है, जबकि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है।
दोस्तों न्यूजीलैंड में समलैंगिक शादियां कानूनी रूप से मान्यता दिया गया है और इसके अलावा यहां पर सिर्फ 15 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बनाना यहां पर बहुत ही आम बात है। दोस्तों न्यूजीलैंड की महिलाएं बेहद ही आकर्षक और काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और ये अपने मुताबिक जीवन जीना पसंद करती है। दोस्तों इस देश में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को एक समान नजरिए से देखा जाता है और इसी कारण से यहां के पुरुष और महिलाओं की सैलरी भी सेम होती है।